हम तो 3 महीने पहले ज्वाइन किए हैं विज्ञापन। आप बताइए कि आप लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बताओ। मेरा दो सवाल है, बोलिए। एक है कि आपके डिपार्टमेंट में काफी पहले चावल घोटाला की बात आई थी, उसका क्या स्टेटस है? और दूसरी चीज ये है कि सब्जी बेचने को लेकर के आप लोग फेडरेशन बनाने की बात कर रहे थे, तो वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसका स्थिति है? एक जो स्कैम वाली बात जो आ रही है, जो आया था विषय, तो आप सब लोग संज्ञान में होगा जा करके, तो ब्रीफ कर दीजिए। चावल का घोटाला, चावल घोटाला, हाँ बता रहा। कब की बात, कब हुआ था ये बताइए, कौन साल हुआ था, जानकारी दीजिए। आप क्यों कह रहे हैं, 30 साल का? हम लोग तो जब से हम लोग गए हैं, चावल घोटाले का नहीं पता चला। हम तो 3 महीने पहले ज्वाइन किए हैं विज्ञापन। आप बताइए कि आप लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बताइए किस वर्ष में आप जांच देखिए, बताइए ना, आपको जानकारी देंगे। चलिए तो आगे बताइएगा हमको, कोई बात आगे मुझे बताइएगा, हम करवाएंगे जाकर, नोट कर लीजिए। इनका कहना चावल घोटाला मतलब हुआ है, शुभ नाम बता दीजिए अपना, लवजीत कुमार लिख लीजिए, और प्रेस बता दीजिए। हम लोग आज पता लगा करके है ना, क्या मामला है जा करके, जैसा चल रहा यदि हो हम बताएंगे निश्चित तौर पर। आगे नेक्स्ट, दूसरा सर वो था सब्जी को लेकर फेडरेशन। हाँ बता रहे वीरेंद्र बाबू, ब्रीफ कीजिए सब्जी के बारे में। सब्जी विपणन को लेकर के राज्य में 3 संघ बनाए गए हैं, पटना जिसका मुख्यालय है, हरित संघ, मिथिला और तिरहुत, कुल 20 जिले उससे आच्छादित हैं अभी वर्तमान में, और लगभग 300 प्रखंडों में PVCS जो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कार्य कर रही है। आगामी कार्यक्रम बता दीजिए, जो पोटैटो आलू आगामी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो 20 जो 18 जिले शेष रह गए हैं उन सभी जिलों में इस वर्ष के अंत तक भी जितने भी हमारे ब्लॉक रह गए हैं, 240 ब्लॉक जो रह गए हैं, वहां पे प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर दिया जाए। सर एक सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार जो है सब्जी उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन सर सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों आ रही है? अभी आप पटना के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सब्जी 40 रुपये से कम नहीं मिल रही है। अगर उत्पादन इतना ज़्यादा है तो फिर कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों है, बताइए आप। किसान का अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और अगर सरकार चाहती है कि किसानों को हम फायदा पहुंचाएं, तो जो बिक्री दर होगा वो उसके लागत के इनपुट के बराबर होगा, से कुछ ज़्यादा ही होगा जी। तो जैसे धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उस हिसाब से लागत भी बढ़ी है। और रही बात सरकार की, तो सरकार सब्जी के मार्केट दर को नियंत्रित नहीं करती है, वह ओपन मार्केट के जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से नियंत्रित होती है। ऐसा देखा गया है विगत वर्षों में कि जो बड़े पैमाने पर बिहार में और सब्जी का उत्पादन होता है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा था, उसी के सरकार ने विचार किया कि जो बड़े पैमाने उत्पादन हो रहा है उसको अच्छा बाजार मिल जाए जाकर के, उनका सामान बर्बाद नहीं जाकर के हो, और जो सामान मान लिया एक्स्ट्रा हो गया है तो उसका प्लान प्रोसेसिंग करने का है। टमाटर आलू ये दो चीज़ मैं बिहार में देख रहा हूँ, काफ़ी उत्पादन जब होता है तो सड़कों पर फेंक देते हैं जाकर, खेतों में छोड़ देते हैं जाकर के हैं, तो उसकी प्लानिंग प्रोसेसिंग करने का है, और उसका प्लान हम शुरू किए। बता दीजिए इस बारे में, पोटैटो टमाटो के बारे में। 35 रुपये सही बात, बताइए। पोटैटो के जो प्रोसेसिंग पोटैटो है उसकी खेती बिहार में लगभग नहीं के बराबर होती है, तो उस खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपने जो करीब 350 पैक्स हैं उस 300 पैक्स में कुछ कुछ किसानों को चिन्हित करके हम लोग उनको चिप्सोना वैरायटी का आलू दे रहे हैं, जो कि बाद में जो कंपनियां आलू पोटैटो चिप्स बनाती है उनके साथ वो बाईबैक एग्रीमेंट में रहेंगे। इसी प्रकार से टोमेटो जिसका कि सॉस बनाया जाता है, तो उसके भी लगभग 1.5 करोड़ पौधे हम अपने फार्मर्स के बीच में वितरित करने जा रहे हैं, जिनके साथ भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उन कंपनियों के साथ एग्रीमेंट है कि वो उनके साथ बायबैक करेंगे, जिससे कि किसानों को सुविधा होगी कि फ्यूचर में कोई अगर प्राइस गिर जाता है, गिरने का जो भय है वो खत्म हो जाएगा। पत्रकारों को चिंता यह है कि जो नियंत्रण मूल्य नहीं है
अधिक दाम में मिल रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सर। तो मुझे जानकारी जो है कि समय समय भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में मतलब प्याज हो आलू हो जाकर के तो मार्केट में दिया जाता है बैलेंस करने के लिए, बाजार पर कंट्रोल जब वो अप कर जाता है ज़्यादा दाम बढ़ जाता जा करके है तो उस संबंध में देखता हूँ मैं कि भारत सरकार के स्तर पर और प्याज है जिसका कीमत काफ़ी जब बढ़ जाता जा करके है वो विभिन्न माध्यमों से पैक्स के माध्यम हुआ बिस्कुमान के माध्यम से हुआ जनता तक सही बोलने को मिले प्रयास कर दिया जाकर। हम लोग वो देखते हैं कि अपने राज्य के स्तर पर कैसे नियंत्रण किया जाए मूल्य का मतलब एक निर्धारित दर हो ताकि जो उनका लागत है वो लागत तो कम से कम मिल जाए लॉस उनको नहीं जा करके हो बैलेंस रह जा करके बैलेंस बिगड़े नहीं यही चिंता माननीय पत्रकारों का जाकर। नेक्स्ट 40 लाख का ऋण दिया जा चुका जा करके तो कुल मिलाकर हम लोग को प्रयास जाकर आने वाले समय में जो पैक्स हमारे जाकर के हैं और बेहतर तरीके से जो गांव में रहने वाले किसान हमारे हैं अन्नदाता किसान भाई बहन हैं जाकर के उनको अपनी बेहतर सेवा प्रदान करने जाकर के उसी उद्देश्य और अभी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में गोदाम की योजना है 3 प्रकार के जाकर के पैक्सों को हम मतलब वहाँ पर गोदाम बनाने के लिए 200 MT 500 MT का मैट्रिक टन का और 1000 का पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग करीब 325 पैक्सों को 1,69,00,000 राशि बजट में था पूरी राशि हम लोगों ने और फंड ट्रांसफ़र किया है पैक्सों के लिए अगर समय भी तय किया है कि 6 महीने में वो बनकर तैयार होंगे और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने तय किया है आवेदन आ रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि जो धान की प्राप्ति जब होती है तो उसका रखने का मतलब जगह भी हो उसी दृष्टिकोण से सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम किया जा करके उसी तरह हम लोग अच्छे जो पैक्स काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना शुरू हमने किया है और इस पुरस्कार पहली बार हुआ है और पिछले वर्ष हम लोगों ने लोगों को बुला करके पटना में ही जो चयनित किए गए थे उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख दूसरा 10 लाख का है तीसरा 7 लाख रुपये का है और जिला स्तर पर है 5 लाख 3 लाख द्वितीय है तृतीय 2 लाख रुपये जा करके। तो पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 23-24 में 46 पैक्सों को राशि उपलब्ध कराया हम लोगों ने 2 करोड़ का आसमान करवाया जा करके है ताकि उनको उत्साह बढ़े और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोग सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं कमेटी देख रही जा करके कौन पैक्स बेहतर काम कर रहे हैं जा करके ताकि उनके माध्यम से ये सारे काम कराए सकें जाकर गाँव में जो रहने वाले ग्रामीण किसान भाई बहन हैं चाहते हैं दूर नहीं जाना पड़े ब्लॉक पर नहीं जाना पड़े सारी सुविधा पैक्स के माध्यम से ही जो उपलब्ध हम कराते हैं तो उस हिसाब हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 300 जो कॉमन सर्विस के रूप में हम सेवा देने वाले जा करके हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कुछ पैक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ पैक्सों में हम कभी भी देख रहे हैं उसकी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं ट्रेनिंग करा कर ताकि वो भी तैयार हों ताकि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ बेहतर तरीके से गाँव में रह रहे किसान भाई बहनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तो सरकार की योजनाएं उसका उन्हें लाभ मिल सके जा करके ये हम लोग प्लानिंग जा करके। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।